ध्रुव सर के एंगेजमेंट में चाहती हूँ कि श्रद्धा और ध्रुव सर के एंगेजमेंट ना हो, कुछ भी करके एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। जैसा कि बिहान और मैंने देखा था कि श्रद्धा पी कर टली हो जाती है और अपनी सच्चाई खुद बता देती है कि वो किस टाइप की लड़की है, बहुत ही गलत लड़की है, और वो किस मकसद से इस घर में आना चाहती है। वो ध्रुव सर से प्यार नहीं करती है, इस घर के बारे में अच्छा नहीं सोचती है, बल्कि इसलिए ध्रुव सर की पत्नी बनना चाहती है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी लाइफ जीना चाहती है। वो एक नेम फेम पैसे के पीछे भाग रही है उनके, और वो कितना गलत सोचती हैं मेरी जो सासू मामा है अपनी सास होने वाली उनके बारे में कितना गलत सोचती हैं, तो वो सब मुझे पता है। और मैं चाहती हूँ वो अपनी ज़ुबान से खुद अपनी एंगेजमेंट में ये सच्चाई बता दे पीकर। तभी मैं और बिहान एक प्लान बनाते हैं और हम उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ी सी शराब मिलाते हैं, जिससे वो पीकर जैसा कि उसने अपने घर पर अपने फ्रेंड्स को बता रही थी और हमने चुपके से सुन लिया था, उसी तरह वो घर पर सबको बता दे और ये उसका पर्दा फास्ट हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थपकी का जो कैरेक्टर है, थपकी अपने आप में एक बहुत ही प्यार की थपकी है सबके लिए, एंड आई थिंक द मोटिव ऑफ दिस शो इज़ अबाउट थपकी की, जो कि एक स्टैमरिंग गर्ल है और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में और किस तरह वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, बुराई का नाश करती है, सच्चाई की जीत होती है, उसी के बारे में पूरा शो है। या प्रॉब्लम्स आई थिंक हर जगह होती है, जैसे कि थपकी अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाती है, वैसे ही मैं भी एज जिज्ञासा ट्राई करती हूँ कि ऑन द स्पॉट चीज़ें सॉल्यूट हो जाए। या हाँ जी, एक्चुअली इट्स अ 6 डेज बेस्ड शो, ये 6 दिन का शो है, तो हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं घर, शायद मतलब बहुत कुछ आवर्स के लिए जाते हैं घर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज द बॉडी नीड्स रेस्ट, एंड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है बिकॉज बेसिकली ये जो अभी थीम है एंगेजमेंट की, इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी प्रॉप्स, इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, पूरा मैनेजमेंट है, पूरा प्रोडक्शन हाउस है, टेक्निकल टीम है, सभी लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने कि आर्टिस्ट।